अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हनुमंत की बेटी की जगह तुमने किसी और लड़की से नौकरी का वादा किया होता तो आंख बंद करके हम तुम्हारे वादे का मान रखते, पर वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं। किस गहरी सोच में बैठे हो देव? छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। आप भी पापा सा, और मैं कोई राज नहीं छुपा रहा हूं। अरे भाई, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन अब पूछना पड़ेगा। क्या छिपा रहे हो, साफ साफ बता दो। बाप हूं तुम्हारा, बोलता नहीं हूं लेकिन समझता सब हूं। एक काम करते हैं, आज हम दोनों ड्राइव पे चलते हैं, पुराने गाने सुनते सुनते बाप बेटे जी भर के बातें करेंगे। तू मुझे सीए की ऑफिस ड्रॉप कर देना और वापस लौट आना। आज नहीं पापा साहब। एक बात कहूं बेटा, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साफ दिल का आईना है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अपनी मासा के फैसले से सहमत नहीं हो। ऐसा नहीं है पापा साहब, मैं जानता हूँ वसु से कई गलतियां हुई, मुझे मासा से पूछे बिना वसु और काकू को वादा नहीं करना चाहिए था। मैं मासा के फैसले के अगेंस्ट नहीं हूँ, पर परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? तुम्हारे पापा सा है ना, तुम्हारी मासा से मौका देखकर मैं बात करूंगा वसु की नौकरी के बारे में। रियली पापा सा? देखो बेटा, तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हारी मासा घर के अनुशासन और कायदों को लेकर कितनी सख्त है, इसलिए वसु पे उसका नाराज होना लाजमी है। मुझे थोड़ा समय दो, उसका गुस्सा जैसे ही शांत होगा मौका देख के मैं उससे बात करूंगा। थैंक यू पापा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, चलो मेरे साथ ड्राइव पर चलो। पापा साहब, सच में ऑफिस में बहुत काम है, नेक्स्ट टाइम पक्का। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पापा साहब, आप काकू को साथ ले जाइएगा। नहीं बेटा, आज खुद ड्राइव करने का दिल कर रहा है, अकेले ही जाता हूं। अकेले हैं तो क्या गम है। थैंक गॉड, पापा साहब बात करेंगे तो शायद मासा अपना फैसला बदलते। जादूगर अभी सर, आपने तो हमारे को डरा ही दिया, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है हमारे को जादूगर वादूगर ना बुलाया करो, हमारा नाम वसु है, वसु। अरे खुशी से तुम्हें सब वसु बुलाए, पर मेरे लिए तुम जादूगर हो। कॉटेज जादूगर। वैसे आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे थे? एक जरूरी काम है। हमारे को भी। तुम्हारा जरूरी काम भी मंदिर में है? आपका भी? हाँ, तो एक काम करते हैं, साथ ही चलते हैं, हम दोनों की मंजिल एक ही है। बोलिए बोलिए सर, ये लड़की कहाँ मिली आपको? आप लोगों ने कहाँ पे शादी की? आपकी पत्नी किस गांव से है, कैसे मिले आप लोग, बताइए, जवाब दीजिए। लोग कह रहे हैं कि आपने पैसों की वजह से इनको फंसाया है। नाना, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। क्यों, पैदल चल के जाने से भगवान एक्स्ट्रा खुश होंगे? जी बिल्कुल, और हमारी मनोकामना भी जल्दी पूरी करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। खंबा घनी। मैया, देव सर ने समय पर हमारे पास भेजकर आपने हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया है, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। बस हमारी एक और मनोकामना पूरी कर दो ना मैया। ओ देवी हुकुम ने हमारी नौकरी के लिए राजी कर दो। अच्छा, आप हमारी मनोकामना के बारे में आराम से सोच लेना, तब तक मैं आपके दरबार की किस परिक्रमा लगा के आती हूँ।
मैया वो एक और बिनती थी मारी, अगर अम्मा की झुमकी भी आपकी कृपा से मिल जाए तो अम्मा की आखिरी निशानी भी हमारे पास रह जाएगी। और देखो तुमने मेरी फिर से हेल्प कर दी। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? अरे मैं बाहर खड़ा खड़ा धूप में बोर होता, इससे पहले तुम मुझे दिखाई दे गई। अच्छा वैसे आज क्या मांगा देवी माँ से तुमने? यही कि देवी हुकुम की रसोई में हमारी नौकरी लग जावे, ताकि हमारे को उनकी सेवा करने का मौका मिले। वैसे सच कहूं हमारे को तो पूरी रात नींद ही ना आई, मैं तो बस दरवाजे की तरफ ही देखती रही कि कब कोठी से कोई आवेगा और कहेगा वसु देवी हुकुम ने तारी नौकरी मंजूर कर दी है। हनुमंत की बेटी की जगह तुमने किसी और लड़की से नौकरी का वादा किया होगा तो हम तुम्हारे वादे का मान रखते हैं, पर वो लड़की इस घर में हरगिज नहीं। जैसा आप कहें। अरे क्यों हो गया अभी सर, आप लोग क्यों गए? कुछ नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि तुम ये किचन विचन का काम क्यों करोगी, इतनी टैलेंटेड हो तुम। तुम चाहो तो उदयपुर में इससे बेहतर नौकरी दिलवा सकता हूँ मैं। ना ना अभी सर, हमारे को देवी हुकुम की सेवा करने से मतलब है। यही तो प्रॉब्लम है ना जादूगर, मेरा मतलब तुम्हारी देवी हुकुम, मेरी मासा, तुम तो जानती हो कितनी स्ट्रिक्ट है, जरा सी गलती हुई नहीं कि। अरे माँ की डांट में भी ना सीख ही हो गए, और उनकी सेवा करते करते दो चार चीजें मैं भी सीख लूंगी। अरे क्या हुआ विजर, आप फिर रुक गए? वैसे हमारे को पता है आप क्या सोच रहे हो, यही ना कि हमारे को नौकरी ना मिलेगी। हो सके आप सही सोच रहे हो, लेकिन हमारी अम्मा कहती थी कि सच्ची प्रार्थना में इतनी ताकत हो गई है कि भगवान अपना लिखा भी बदल दे रहे हैं। वाह जादूगर, I like your spirit। अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ परिक्रमा लगाऊं क्या? लगा ही तो रहे हो। सेंस ऑफ ह्यूमर हाँ? अरे मतलब और कितने चक्कर अभी लगाने? 19। 19? हाँ मतलब 19। इकट्ठे 15-20 विशेष मांग ली क्या? चलो कोई बात नहीं, मेरी भी कार्डियो हो जाएगी जीवाने। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।